बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर नुमान इस्लाम। और आज के लेक्चर में मैं आपसे पाइथन के ऑपरेटर्स के मुतालिक ज़िक्र करूँगा। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ ऑपरेटर्स का ज़िक्र तो किया, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और रिमाइंडर के ऑपरेटर्स थे। एक और ऑपरेटर जो पाइथन में अवेलेबल है वो डबल फॉरवर्ड स्लैश का ऑपरेटर है। अगर मैं y इज इक्वल टू 7/3 लिखता हूँ तो y की वैल्यू आएगी 2.333। तो इसने डिवीजन के बाद पूरा आंसर दिया इंक्लूडिंग द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, आफ्टर द डेसिमल जो भी वैल्यू आ रही है वो भी शो हो रही है। अगर मुझे सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 7/ दैट इज इंटीजर डिवीजन। टू फॉरवर्ड स्लैश इज इंटीजर डिवीजन इन पाइथन। अब मैं y की वैल्यू चेक करूंगा तो ये इंटीजर डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करके इंटीजर पार्ट आपको रिटर्न करेगा। एक और ऑपरेटर पावर का ऑपरेटर, मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 3/ दैट इज पावर ऑपरेशन। तो y की वैल्यू आएगी 27। इसके बाद मैं आपसे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 2+3/5, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये बताता है कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर एडिशन पहले परफॉर्म हो तो आंसर आएगा 25। लेकिन बॉड मास प्रिंसिपल के तहत हमें पता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इसका आंसर आना चाहिए, पहले मल्टीप्लिकेशन हो इसका आंसर 17 आना चाहिए। जी हाँ, इसका आंसर 17 आया। एक और क्वेश्चन जो कि 98381 माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है वो ये है कि अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू 3/2 * 3, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि इसमें से किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है एक पावर का ऑपरेटर है। तो पावर के ऑपरेटर की प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन से ज़्यादा होती है। तो y इज इक्वल टू पहले 2^3 ली जाएगी, डेट इज 8 एंड 8 × 3 = 24, आंसर 24 आना चाहिए। जी हाँ, एक और ऑपरेटर जिसको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू 3 और मैं लिखता हूँ y प्लस इज इक्वल टू 7, तो इसका एक्चुअल मतलब मैं कमेंट में लिखता हूँ, कमेंट हैश के थ्रू पाइथन में लिखा जाता है, इसका मतलब है y इज इक्वल टू y प्लस 7। शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं y प्लस इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए 10। और ज़रूरी नहीं है कि हम एडिशन के लिए ये काम करें, हम लिख सकते हैं y माइनस इज इक्वल टू 2 या हम लिख सकते हैं y स्लैश इज इक्वल टू 3 या y स्टैरिक इज इक्वल टू 8। तो ये एक्सपेंड होके y इज इक्वल टू y माइनस 2, y इज इक्वल टू y अपॉन 3, y इज इक्वल टू y स्टैरिक 8। फाइनली मैं आपसे एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर को भी डिस्कस करना चाहूंगा। एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर से मुराद ये है कि अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे ऑपरेंट्स इन्वॉल्व हैं, किसी ऑपरेटर पे परफॉर्म हो रहे हैं वो ऑपरेशन, तो ऑपरेटर
किस डायरेक्शन में एवेल्युएशन अपनी परफॉर्म करेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक्स में वैल्यू 2 है, वाई में वैल्यू 3 है और जेड में वैल्यू 5 है। अब मैं लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 7। अगर ये ऑपरेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट परफॉर्म हो रहा है तो एक्स में वाई की वैल्यू जाएगी जो कि 3 है, y में z की वैल्यू जाएगी जो कि 5 है और z में 7 जाना चाहिए। लेकिन अगर ये राइट टू लेफ्ट हो रहा है तो z में वैल्यू 7 जाएगी, z की वैल्यू लेफ्ट पे y में जाएगी, फिर फर्दर लेफ्ट में जाके y की वैल्यू x के अंदर जाएगी, तो तीनों में वैल्यू 7 आनी चाहिए। इसको प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट के ऑपरेशन में हम कॉमा लगा के डिफरेंट आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तीनों की वैल्यू 7 आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इज इक्वल टू का ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसकी एसोसिएटिविटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है। तो जनाब ये था मुख्तसर तारुफ ऑपरेटर का। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।